नमस्कार, संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको अनुसंधान के उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई थी। आज मैं उन्हीं उपकरणों में से एक उपकरण मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बता रही हूँ। यह विषय बीएड एमएड तथा अन्य कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत भिन्नता का मापन एवं वर्णन करना होता है। इनसे प्राप्त आंकड़ों का अनुसंधान में सरलता से उपयोग कर सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा इन परीक्षणों की व्याख्या इस प्रकार की गई है। इन परीक्षणों के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। इनके द्वारा हम छात्रों का चुनाव कर सकते हैं, उन्हें वांछित निर्देशन दे सकते हैं। इसके आधार पर प्रोन्नति या प्रमोशन दिया जा सकता है। छात्रों को उनकी योग्यता, क्षमता आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यह मूल्यांकन में भी उपयोगी होते हैं। इनके द्वारा छात्रों की समस्याओं का निदान कर उनका समाधान कर सकते हैं। ये छात्रों के बारे में भविष्य कथन करने में सहायक होते हैं और अनुसंधान कार्य में ये परीक्षण बहुत उपयोगी साबित होते हैं। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दो प्रकार की विशेषताएं या कसौटियां होती हैं। पहली है व्यवहारिक कसौटी और दूसरी है तकनीकी कसौटी। व्यवहारिक कसौटी में पहली है परीक्षण का उद्देश्य, अर्थात हम जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षण बना रहे हैं वह पूरा होना चाहिए। दूसरी है प्रशासन की सुविधा। परीक्षण का प्रशासन सरलता से किया जा सके, उसके निर्देश, प्रश्न, मूल्यांकन की विधि आदि स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरी है सर्वमान्यता, अर्थात परीक्षण न्यायदर्श या सैंपल को मान्य होना चाहिए, अन्यथा हमें वांछित या रिक्वायर्ड आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे। चौथी है परीक्षण मूल्य तथा समय बचाने वाला होना चाहिए, यह अधिक महंगा ना हो, साथ ही इसके प्रशासन तथा मूल्यांकन में भी कम से कम समय खर्च हो, जिससे उदासीनता पैदा ना हो सके। पांचवी कसौटी है मूल्यांकन और विवेचन में सुविधा। मूल्यांकन तथा विवेचना के लिए परीक्षण के मैनुअल में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की तकनीकी विशेषता या कसौटी में सर्वप्रथम है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता या कसौटी है। इसके बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विश्वसनीयता के मुख्यतः ये प्रकार होते हैं। पहला, पुनर्परीक्षण विधि। दूसरा, विकल्प या समानांतर विधि। तीसरा, अर्ध विच्छेदन विधि। चौथा, तर्कयुक्त समानता विधि। परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक या कारण हैं: प्रयोज्यों की शारीरिक अवस्था, परीक्षण के प्रशासन की विधि और अवस्था, वातावरण संबंधी कारक, अभ्यास का प्रभाव, परीक्षण की लंबाई, परीक्षार्थियों तथा परीक्षणकर्ता की थकान और ऊब, मानसिक अवस्था, परीक्षण की कठिनाई का स्तर। परीक्षण की दूसरी तकनीकी कसौटी या विशेषता है उसका वैध होना। वैधता के ये कुछ मुख्य प्रकार हैं: ऑपरेशनल वैधता, रूप वैधता, तर्कसंगत वैधता, पाठ्यक्रमात्मक वैधता, अवयव या कारक वैधता, पूर्व कथन वैधता, निर्मित वैधता तथा समवर्ती वैधता। वैधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं: परीक्षण के पदों की अस्पष्टता, परीक्षण के पदों में क्लिष्ट और शब्दों और वाक्यों का प्रयोग, परीक्षण के पदों की अनुपयुक्तता, परीक्षण के पदों का अनुपयुक्त कठिनाई स्तर, परीक्षण के पदों की अपर्याप्त संख्या, परीक्षण के अस्पष्ट निर्देश, परीक्षण भरने के लिए अपर्याप्त समय, परीक्षण के अंकीकरण का दोषपूर्ण तरीका, परीक्षार्थियों में प्रेरणा और सहयोग का अभाव और परीक्षार्थियों की संवेगात्मक स्थिति आदि।
परीक्षण की तीसरी तकनीकी कसौटी या विशेषता है उसका मानकीकृत होना। मानकीकरण का अर्थ है परीक्षण के प्रशासन, मूल्यांकन आदि में समरूप विधियों का उपयोग। परीक्षण की चौथी तकनीकी विशेषता या कसौटी है परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना। परीक्षण में कठिन शब्दों या मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्कोरिंग की विधि तथा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। परीक्षण की पांचवी तथा अंतिम तकनीकी विशेषता या कसौटी है उसकी विभेदनशीलता। एक परीक्षण में सभी प्रकार के पद होने चाहिए, जैसे कुछ पद ऐसे हों जिन्हें केवल उच्च श्रेणी के छात्र हल कर सकें, कुछ मध्यम श्रेणी के छात्रों के लिए तथा कुछ पद ऐसे हों जिन्हें निम्न श्रेणी के छात्र ही हल कर सकें। ये थी एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं या कसौटियां। धन्यवाद।